गाइस रिसेंटली वन प्लस ने वन प्लस टेन आर स्मार्टफोन को लॉन्च किया जिसमें 150 वाट का सुपर वॉक्स चार्जर देखने को मिला और उसमें मिरर डायमेंसिटी 8100 चिप का भी सपोर्ट देखने को मिला और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है और ये सारा माल मसाला आपको 37,000 के पैकेज के साथ देखने को मिल जाता है। बड़ी उतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं था जितना कि वन प्लस नॉट 3 रहने वाला है और वैसे भी हम लोग बजट ग्रेड वाले हैं और हम लोग बजट से थोड़े से ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन को टारगेट करते हैं और वैसे ही प्राइस आपको वन प्लस नॉट 3 में भी देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन का प्राइस अप टू 34,000 to 35,000 देखने को मिल जाएगा और स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। बट यहाँ पे और एक चीज़ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा वो है हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट द स्मार्टफोन। गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। सो स्मार्टफोन का लुक्स ट्रूली बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है और स्मार्टफोन के बैक में आपको गॉर्जिला ग्लास प्रोटेक्शन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी डिजाइन ये स्मार्टफोन अपने साथ फ्रंट में पंच कटआउट के डिजाइन के साथ आता है और स्मार्टफोन के बैक में ऑब्वियसली ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और वही ट्रिपल कैमरा सेटअप के साइड में आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन अपने साथ कर्व डिजेस को लेकर आता है और कर्व डिजेस के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा अलर्ट स्लाइडर जो कि इस फीचर्स के भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको IP53 रेटिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे लुक्स एंड डिजाइन काफी बेहतर रहने वाला है। सो उसी के साथ साथ बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सो इस बार स्मार्टफोन में अप टू 6.7 इंच की डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल HD प्लस AMOLED पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट हाँ, हो सकता है यहाँ पे 2K डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को ना मिले। बट यहाँ पे स्मार्टफोन के डिस्प्ले को स्मूथ बनाने के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कह नहीं सकते बट यहाँ पे HDR10 या फिर HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल सकता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले ऑप्टिमाइज फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको डिस्प्ले काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है बट उससे भी बेहतर यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस जो कि यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 चिप का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये वाली चिप जो आपको अपकमिंग डिवाइस वन प्लस 10R में देखने को मिला था बट ये वाली चीज सेम आपको रियलमी GT Neo 3 में देखने को मिलेगा और वन प्लस नॉट 3 में देखने को मिलेगा जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और इसे और पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पे आपको न्यू GHz देखने को मिलेगा, OIS 13 रहने वाला है और स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि अभी का लेटेस्ट वर्जन है। बाकी गाइस बात करें स्मार्टफोन के कैमरा वेरिएंट के बारे में, सो स्मार्टफोन का कैमरा आप कह सकते हो वन प्लस नॉट 2 का रिप्लेसमेंट होगा बट यहाँ पे आपको कैमरास में कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पे स्मार्टफोन का मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि सोनी IMX766 से बिल्डअप हुआ है बट यहाँ पे आपको OIS भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ स्मार्टफोन का सेकेंडरी सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और थर्ड सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का टेरिटरी सेंसर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट गाइस स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा ऑब्वियसली सेल्फी कैमरा ही होता है। स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का सपोर्ट देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप किसी भी फोटोज को डे लाइट में काफी बेहतर कैप्चर कर सकते हो और स्मार्टफोन के आप बैक कैमरा से 4K+1080p रेजोल्यूशन पे किसी भी फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर कर सकते हो। बाकी गाइस बात करें स्मार्टफोन की बैटरी वेरिएंट के बारे में, सो इस बार स्मार्टफोन में 4500mAh की मैसिव बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा विद 150W सुपर वॉक्स चार्जर। या गाइस यहाँ पे आपको 80W का चार्जर देखने को नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे 150W का चार्जर देखने को मिलेगा और ये वाली जो चार्जर है आपको इन बॉक्स ही देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के और भी बेहतर बनाने के यहाँ पे आपको सिक्योरिटी और मेजर अपडेट्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड अपडेट्स आपको टाइम बाय टाइम देखने को मिलता रहेगा, ये वन प्लस का कहना है। और नेक्स्ट गाइस बात करते हैं स्मार्टफोन की कुछ कनेक्टिविटी के बारे में, सो यहाँ पे आपको USB टाइप सी देखने को मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग 6 रहने वाला है, 5G बैंड्स रहने वाला है, बट कितने बैंड्स होंगे ये अभी नहीं पता। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च एंड प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में, सो ये स्मार्टफोन एज ऑलवेज अपने आने वाले मंथ में यानी कि नेक्स्ट मंथ हमारे जुलाई के मंथ में इंडिया मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा बट एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये स्मार्टफोन किस डेट पे लॉन्च होने वाला है। बाकी बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में बट उससे पहले स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको UFS 3.1 देखने को मिलेगा, LPDDR4X रैम वेरिएंट का सपोर्ट होने वाला है और स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको रैम 6 to 128 GB देखने को मिलेगा एंड स्मार्टफोन का टॉप एंड वेरिएंट 8 to 128 GB या फिर 256 GB देखने को मिलेगा। बाकी इस बात के स्मार्टफोन की प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में, सो ये स्मार्टफोन अपने इंडिया मार्केट में 34,000 to 35,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो यही था कुछ कहानी वन प्लस नॉट 3 स्मार्टफोन के बारे में। सो आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा या फिर आपको स्मार्टफोन का स्पेक्स कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा।